और इसी बीच बड़ी खबर इंदौर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले इंदौर एयरपोर्ट पर दो संदिग्ध पकड़े गए हैं। आरोपी मुस्लिम युवकों ने फर्जी नाम से चेन्नई से इंदौर की फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी। खुफिया एजेंसी की इनपुट पर इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट से आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी मोहम्मद उमर खान और जाकिर हुसैन दिल्ली के जामनगर ओखला न्यू के रहने वाले हैं। आरोपी मुस्लिम युवकों के पास से कई फर्जी दस्तावेज और हिंदू नाम के पहचान पत्र भी मिले हैं। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और इसी एरोड्रम थाना क्षेत्र में कल दो व्यक्ति जिनके नाम मोहम्मद उमर सन ऑफ साबिर खान और जाकिर हुसैन, ये लोग अबुल फजल एनक्लेव जामिया नगर ओखला नई दिल्ली के रहने वाले, इनके खिलाफ 420, 467, 68 यानी धोखाधड़ी के प्रकरण की कायमी की गई। घटना इस प्रकार की है कि आसूचना अधिकारी को एयरपोर्ट पे ये सूचना मिली थी कि जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, इसमें चेन्नई से इंदौर आ रही एक फ्लाइट, उसमें कुछ संदिग्धों द्वारा अपनी पहचान छुपा के तस्करी की जा रही। तो जिसके बाद में इन्होंने उस फ्लाइट में उतरते हुए यात्रियों की चेकिंग की, जिसमें से उनको दो संदिग्ध मिले जिन्होंने अपना नाम मोहम्मद नदीम और आमिर खान बताया। और आमिर खान के पास दो पहचान पत्र मिले, जिसमें से एक पहचान पत्र उसका आमिर खान के नाम से था जो धोलाना हापुड़ का के नाम से था, और दूसरा अनिकेत सन ऑफ ओम प्रकाश शर्मा, ये मैथला हसनपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का उसके पास आईडी कार्ड था। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ये दो संदिग्ध पकड़े जाना कई बहुत ज्यादा गंभीर कहीं ना कहीं ये विषय है, और फिलहाल जब अब गिरफ्तारी हुई है तो शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है, क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं, विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 तारीख को प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में झाबुआ का दौरा है, जहां पर जनजाति कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं। उसके कुछ दिन पहले ही ये दो संदिग्ध पकड़ाए हैं। ये दोनों जो संदिग्ध पकड़ाए हैं, इनके पास कई अलग अलग दस्तावेज हैं और जो पहचान पत्र है, ये मुस्लिम युवक है लेकिन इनके पास पहचान पत्र जो है वो हिंदू नाम से भी मिला हुआ है। तो यानी अलग अलग दस्तावेज बना रखे हैं। उस सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है कि आखिर ये दस्तावेज कहां बनाया गया, कैसे बनाए और इनका साथ किसने दिया। दूसरी बात है कि तस्करी को लेकर सूचना मिली थी कि चेन्नई से जो दो युवक हैं अपने फर्जी नाम से उन्होंने टिकट बुक की है, इंदौर पहुंच रहे हैं और तस्करी से जुड़ा हुआ इनका गैंग है। लेकिन तस्करी के काज अभी तक जो जांच की गई है, जो तस्करी के एंगल है, उस एंगल में अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसी को लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है कि तस्करी से जुड़ा हुआ होना बताया जा रहा है लेकिन तस्करी से जुड़ी हुई चीज नहीं मिली। लेकिन कहीं ना कहीं से जो युवक यहां पर आए हैं, ये मुस्लिम युवक जामनगर के रहने वाले, दिल्ली के जामनगर ओखला न्यू के रहने वाले हैं, और इनके पास फर्जी जो पहचान पत्र है वो हिंदू नाम से आखिर क्या कर रहा है, आखिर किस मंशा से ये इंदौर पहुंचे थे, आगे कहां पे जाने वाले थे, तमाम चीजों को लेकर जांच की जा रही है। इंदौर के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं हर एंगल में पूछताछ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसकी तलाश की जा रही है, उसकी जांच की जा रही है। दूसरी तरफ है कि एटीएस और आईबी, इनको भी सूचना दी गई है, बहुत जल्द एटीएस और आईबी भी इनसे पूछताछ कर सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर कि फर्जी जो पहचान पत्र है, फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसका कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बुलंद जो बुलंद शहर है उत्तर प्रदेश का, उस नाम का वोटर आईडी मिला कि ये उस शहर के रहने वाले अनिकेत शर्मा के नाम से वो वोटर आईडी बनाया गया था। तो तमाम हर एक चीजों की बारीकी जांच की जा रही है, क्योंकि नाम कुछ और है, टिकट किसी नाम से और बुक की जा रही है, होटल के जो कमरे हैं वो किसी और नाम से बुक किया जा रहा है। तो तमाम एंगल को एक साथ जोड़कर, क्योंकि पूरा मामला काफी संवेदनशील है, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले, प्रधानमंत्री का 11 तारीख को कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री के दौरे के पहले इंदौर एयरपोर्ट पर जो दो संदिग्ध पकड़ाए उसको लेकर बारीकी से जांच की जा रही, गंभीरता से जांच की जा रही, बहुत जल्द इस पूरे मामले में एटीएस और आईबी भी जांच करेगी। पुलिस से कहना है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले में बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी है फिलहाल, लेकिन इसको लेकर इंदौर पुलिस कोई भी अपडेट मिलता है दीजिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। हरदा हादसे का जिक्र करते हैं। हादसे में फैक्ट्री के अंदर मौजूद एक तहखाने में बड़ी मात्रा में बारूद होने की बात सामने आई थी और लोगों ने कई लोगों के होने की आशंका भी जताई थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस जगह की विशेष तौर पर सर्च कर रही है और खुदाई में बड़ी संख्या में पोटाश भी निकल रहा है। आपको बता दें कि पोटाश काफी विस्फोटक होता है,
तो तहखाने की विशेष तौर पर जांच पड़ताल अभी यहां पर हो रही है और पोटाश भी इससे बरामद हुआ है। फिलहाल अभी टीम मौजूद है, फॉरेंसिक की टीम मौजूद है और सभी तरह से जांच पड़ताल जारी है। हरदा फैक्ट्री में हुए बम ब्लास्ट के बाद यहां का जो मंजर है वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे रूस और यूक्रेन में जब युद्ध और जमकर गोलाबारी हो रही थी तो वहां की इमारतों के जिस तरीके के हालात हो गए थे उन्हीं तस्वीरों की याद यह हादसा भी दिला रहा है। लापरवाही कहां हुई, कैसे हुई, जिम्मेदार कौन, ये सारे सवाल और ये सारे सवाल अपने अपने तरीके से इनकी जांच चल रही है, जवाब तलाशने की कोशिश चल रही है। लेकिन एक बड़ा रहस्य बना हुआ है, वो रहस्य है तहखाने का। उस तहखाने में बड़ी संख्या में बारूद रखा हुआ था, ये बात बार 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 निकल कर सामने आ रही है और अब उसी तहखाने की जो खोजबीन है वो यहाँ पर SDRF NDRF की टीमें कर रही हैं ताकि जो बारूद है उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए और कोई आने वाले समय में यहाँ पर बड़ा हादसा ना हो। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, संभवतः हम उसी तहखाने के ऊपर यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं जहाँ पर वो पूरा हादसा हुआ था। दीपक आपको करीब से बताएंगे, खुदाई का काम भी वहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर जो कुछ ये अवशेष नज़र आ रहे हैं और जो गड्ढा एक यहाँ पर नज़र आ रहा है ये संभवतः इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि यहीं पे वो जो तहखाना है वो हो सकता है बेसमेंट हो सकता है जहाँ पर बारूद का भारी स्टॉक रखा जाता था। और इसी के साथ ही यार रुक रहे, एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।